दोस्तों ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। सभी संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी और दैनिक वेतन भोगी लोगों को मिलेगा न्यूनतम 21,000 रुपये वेतन। न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये और नौकरी में सुरक्षा की मांग को लेकर आउटसोर्स दैनिक वेतन भोगी और संविदा कर्मचारियों का जोरदार प्रदर्शन। दोस्तों प्रदेश भर के आउटसोर्स कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर रविवार को राजधानी में एकत्रित हुए और जोरदार प्रदर्शन किया। दोस्तों क्या आपका मानदेय, क्या आपका वेतन 21,000 रुपये होगा, इस चीज़ को जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। यकीनन अब कई राज्यों से, कई प्रदेशों से लोग संविदाकर्मी, दैनिक वेतनभोगी और आउटसोर्स कर्मचारी अब आंदोलन कर रहे हैं। संविदा कर्मचारियों के बाद अब आउटसोर्स कर्मचारी भी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। उनकी प्रमुख मांग है नौकरी में सुरक्षा और 21,000 रुपये का न्यूनतम वेतन। प्रदर्शन में भाग लेने वाले पहुंचे कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया कि उनके वेतन से 18% जीएसटी तक काटा जा रहा है। न्यूनतम वेतन में भी कटौती कर दी गई है जिससे वे अन्यायपूर्ण मानते हैं। सरकारी और सरकारी विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि ना तो उनको नौकरी में सुरक्षा है और ना ही उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन मिल रहा है। प्रदेश भर से आए चौकीदार, वृत्त, पंप ऑपरेटर, सफाई कर्मी, स्कूल और छात्रावासों के अंशकालीन और अस्थायी कर्मचारी बड़ी संख्या में इस प्रदर्शन का हिस्सा बने। उनकी स्पष्ट मांग है कि उन्हें नौकरी में अस्थायित्व दिया जाए, यानी कि उनको परमानेंट किया जाए, न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये सुनिश्चित किया जाए। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे आउटसोर्स, अस्थायी और अंशकालीन ग्राम पंचायत कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि सरकारी विभाग में 80% तक निजीकरण हो चुका है जिससे आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित नहीं है। सरकार द्वारा ठेकेदारों से काम करवाने की प्रवृत्ति बढ़ गई है जिससे कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन और अन्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इसी अन्याय के खिलाफ कामगार क्रांति आंदोलन शुरू किया गया है। गौरतलब है कि प्रदर्शन के लिए सरकार की ओर से अनुमति नहीं मिल रही थी, लेकिन शनिवार देर रात प्रशासन ने आखिरकार प्रदर्शन की इजाजत दी। इस आंदोलन में ग्राम पंचायतों के चौकीदार, वृत्त, पंप ऑपरेटर, सफाई कर्मी, निगम मंडल, नगरीय निकाय, सहकारिता, शिक्षा, उच्च शिक्षा, आयुष, तकनीकी शिक्षा विभाग के आउटसोर्स कर्मी, मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के वार्ड बॉय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, सुरक्षा कर्मी समेत कई अन्य अस्थायी कर्मचारी भी शामिल हुए। आंदोलनकारियों की मांग कि सभी विभागों में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी में सुरक्षा प्रदान की जाए और न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये सुनिश्चित किया जाए। इस प्रदर्शन में खासकर मध्य प्रदेश के कई जिलों से, विशेषकर रूप से इंदौर और जबलपुर से सैकड़ों कर्मचारी शामिल हुए। मध्य प्रदेश की बात नहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर यही हाल संविदा कर्मियों का है, यही हाल आउटसोर्स और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का है। तो वो जाए तो जाए कहां। निवेदन करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे। जैसे ही सरकार के द्वारा 21,000 रुपये न्यूनतम वेतन पर कोई अपडेट आता है, मैं अलग वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अपडेट करूंगा। निवेदन करता हूं अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करेंगे, उस वीडियो को अपने सभी फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में साझा करें, अपने नाते रिश्तेदारों के पास भेजें क्योंकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सकता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी जरूर दबाएं।